नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं अंकेश पांडे भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के साथ आरओ के बैच में सभी का स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं संस्थान के द्वारा आरओ का बैच लाया गया है, उसी कड़ी में पहला हम लोगों ने वीडियो देखा था जिसमें हम लोगों डिमांड एंड सप्लाई की बात किए थे। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, मांग का नियम क्या है, मांग क्या है, मांग क्यों है, इन सभी तथ्यों पर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी कड़ी में आज हम उस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और एक बार सरसरी निगाह से हम लोग देखेंगे कि मांग क्या है, मांग क्यों है, मांग का नियम क्या है। इस पर जो हम लोगों ने पीछे की वीडियो में डिस्कस किया था एक बार सरसरी निगाह से सुन लेंगे, फिर हम आगे की चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, बेस ऑफ इकोनॉमिक्स में दो चीजें होनी चाहिए, क्या? डिमांड एंड सप्लाई। क्या दोस्तों? डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है डिमांड, यानी मांग क्या होता है, मांग क्यों होता है और मांग का नियम क्या होता है। इन सभी तथ्यों पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। मांग का संबंध पूछा जाता है कि हमेशा किससे होता है, मांग का संबंध हमेशा 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 उपभोक्ता से होता है, यानी कंज्यूमर से होता है, जो उस चीज का उपभोग करता है। मांग का संबंध हमेशा एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत से होता है। मांग क्यों होता है की बात करें तो मांग किसी वस्तु या सेवा की मांग इसलिए होती है क्योंकि उस वस्तु या सेवा की यूटिलिटी उस उपभोक्ता के लिए होती है, यानी किसी उपभोक्ता को कोई मांग कि कोई डिमांड इसलिए है क्योंकि उस वस्तु या सेवा की उसको यूटिलिटी है, यानी उपयोगिता है। इन बातों को हम लोग डिस्कस किए थे। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि जैसे जैसे वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में वृद्धि होता है, जैसे जैसे वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में वृद्धि होता है, वैसे वैसे वस्तु तथा सेवाओं की डिमांड में कमी होती है। यानी कीमत बढ़ने पर, कीमत बढ़ने पर क्या होता है, डिमांड में कमी हो जाती है। साधारण स्थितियों में, साधारण स्थितियों में, यह शब्द मैं क्यों जोड़ करके बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा, साधारण स्थितियों में क्यों, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसी चीज हो जाती है, जैसे आप शुरुआत में देखते होंगे कि जैसे जियो का सिम हुआ करता था, भीड़ लगी रहती थी, पैसा देकर के फ्री में मिल रहा था, उसके बावजूद भी उसको उसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि चाहे जितना उसकी महंगाई कीमत बढ़ जा रहा था उसके बावजूद भी उसको खरीदा जा रहा था। जब विषम परिस्थितियां यानी विशेष परिस्थितियां ना हो, यानी साधारण स्थितियों में अगर किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु या सेवा की डिमांड में भी, डिमांड में कमी होती है। यानी मांग का नियम क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, मांग का नियम कह रहा था कि जब प्राइस बढ़ रहा हो किसी चीज का तो क्या होगा, उस वस्तु या सेवा का, उस या वस्तु या सेवा का डिमांड घट जाएगा। दूसरी स्थिति में यही नियम क्या कहता है, यही नियम कहता है कि जब वस्तु या सेवा की कीमत में कमी हो जाए, जब वस्तु या सेवा की कीमत में कमी हो जाए तो उसके डिमांड में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा साधारण परिस्थितियों में। यह दोनों बात कौन बताता है, यह है क्या दोस्तों, यह डिमांड्स रूल है, यानी थ्योरी ऑफ डिमांड है, थ्योरी ऑफ डिमांड। इसको हम लोगों ने डिस्कस लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होगी तो उस वस्तु या सेवा की डिमांड में कमी भी होगी, किसी वस्तु या सेवा की कीमत में कमी होगी तो उस वस्तु या सेवा की डिमांड में वृद्धि होगी। ऐसा कौन कहता है, थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी मांग का नियम कहता है, यानी इसको हम कह दें शॉर्टकट में, मांग का नियम कहता है कि प्राइस हमेशा उल्टे संबंध में होता है, किसके विपरीत संबंध में, किसके होता है, डिमांड के, किस में, मांग के नियम में। यही सूत्र हम लोगों का निकल करके आया था। उसी कड़ी में हम लोग अब आज आगे बात करेंगे क्या, कि मांग के लिए हम लोगों ने समझा मांग क्या है, मांग क्यों है, मांग का नियम क्या है, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होने चाहिए इस पर आगे हम डिस्कस करेंगे, फिर हम समझेंगे कि पूर्ति क्या है या फिर कीमत निर्धारण क्या है, इन सभी पहलुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात,
क्या होता है मांग के लिए आवश्यक तत्व। सबसे पहली बात यहां पर देखिए, मांग के लिए डिमांड के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है दोस्तों? सबसे आवश्यक तत्व मांग के लिए क्या होना चाहिए? आप सोच के बताओ कि मांग के लिए सबसे प्राथमिक चीज क्या होनी चाहिए? किसी वस्तु या सेवा की इच्छा होनी चाहिए, किसी वस्तु या सेवा की इच्छा होनी चाहिए, वस्तु या सेवा की खरीदने की या फिर जरूरत हो किसी को, यानी हम यहां पर कह सकते हैं वांट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी वस्तु या सेवा की इच्छा, यानी अगर आपको चाहिए यह बात, यानी वस्तु या सेवा की क्या इच्छा खरीदने की या फिर अपने पास रखने की, तभी तो किसी चीज को आप बाजार से खरीदेंगे, तभी तो किसी चीज किसी सेवा को आप खरीदेंगे बाजार में, तभी तो जाएंगे आप। वस्तु या सेवा डिमांड शुरू कहां से होगा? जब तक आपके मन में किसी चीज के लिए इच्छा ही ना जागृत हो तो आप क्यों किसी चीज को खरीदेंगे या फिर क्यों किसी सेवा वस्तु को खरीदेंगे या फिर सेवा को खरीदेंगे। दूसरी स्थिति, मांग के आवश्यक तत्वों में दूसरी स्थिति क्या होनी चाहिए? वस्तु या सेवा की क्रय क्षमता, यानी हम कह ले वस्तु या सेवा की खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। आप किसी चीज की खरीदने की इच्छा रखते हैं, आपके पास क्षमता ही नहीं है उस चीज को खरीदने की, तो क्या वह मांग फुलफिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? वस्तु या सेवा की खरीदने की क्या क्षमता, वस्तु या खरीदने की क्षमता। ध्यान से देखो, चलो, खरीदने की क्षमता मतलब क्रय शक्ति हम कह सकते हैं इसको, क्रय शक्ति। देखो, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो आप इच्छा जाहिर करोगे किसी चीज की खरीदने की, किसी चीज को खरीदने की इच्छा जाहिर करोगे सबसे पहले। दूसरी स्थिति क्या होगी कि उस वस्तु या सेवा की खरीदने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए, यानी क्रय शक्ति होनी चाहिए। तीसरी स्थिति क्या होगी? क्या इच्छा हो जाने से, क्या आपके पास पैसा हो जाने से मांग फुलफिल हो गया? अभी भी नहीं दोस्तों, एक कंडीशन और बचेगा। क्या यहां पर हम लोग देखेंगे, तीसरी स्थिति होगी व्यय करने की तत्परता। व्यय करने की तत्परता यानी रेडी टू एक्सपेंड, यानी खर्च करने के लिए तत्पर। देखो, हो सकता है आपका मोटरसाइकिल खरीदने का मन हो, उदाहरण से समझना, जैसे आपका हो सकता है मन हो कि मोटरसाइकिल खरीदना है, मन में आपको एक वस्तु खरीदने की इच्छा आ गई, पहला वाला फुलफिल हो गया। दूसरी स्थिति, आप वह बाइक 2 लाख रुपए की है, दूसरी स्थिति क्या है, वो बाइक मान लो 2 लाख रुपए की है, और मान लो आपके पास पैसा भी है 2 लाख रुपए, और एग्जैक्ट 2 ही लाख रुपए है। ध्यान से सोचना और सुनना, समझना कि आपके पास 2 लाख रुपए है, आपके पास क्षमता है, लेकिन अगर आपके पास व्यय करने की तत्परता ही ना हो, यानी व्यय करने की स्थिति ना बन पाए, पैसा है लेकिन यू कैन नॉट एक्सपेंड, यानी आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप अपने पैसे को खरीद नहीं सकते, तब भी यहां पर हम कह सकते हैं कि मांग यहां पर पूरी तरह से फुलफिल नहीं होगा, यानी मांग की आवश्यक तत्व अभी भी पूरे नहीं होंगे। हां, अगर आपके पास पर्याप्त पैसा हो जाए, आपको खरीदने के पास 2 लाख के बाद से आपके पास कुछ पैसा बचे, तब आप व्यय के लिए शायद तत्पर हो जाएं, यानी जब आपके पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा हो जाए तब शायद आप खरीद ले। तब क्या होगा, व्यय करने की तत्परता, रेडी टू एक्सपेंड, यानी खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह मांग के आवश्यक तत्व होते हैं। क्या दोस्तों? यह मांग के आवश्यक तत्व होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि क्या तत्व हो सकते हैं मांग के। देखिए, प्रश्न की प्रकृति समझना पेपर में
सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन हम लोग सेगमेंट क्वेश्चंस तो हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन हम पेपर में कर लेते हैं प्रैक्टिस कर करके। कभी कभी जो छोटी गलतियां एग्जाम में हो जाती हैं, बहुत माइन्यूर गलतियां जो नहीं होनी चाहिए। देखिए बड़ी गलतियां सबसे होते हैं पेपर में, पेपर में बड़ी गलतियां टफ क्वेश्चन सबसे गलत होते हैं। हमारा कोशिश हमारा प्रयास यह है कि आपको छोटी गलतियों से बचा ले जाए। बड़ी गलतियां सभी स्टूडेंट से होती है, इवन सबसे होती है। बड़ी गलतियां सब करते हैं, आप छोटी गलतियां नहीं करेंगे। तो इसीलिए एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे और एक भी क्वेश्चन अर्थव्यवस्था विषय से आपका छूटना नहीं चाहिए। ऐसी मेरी कोशिश आपके लिए है, आपके बैच के लिए है। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि आखिर ये जो मांग के आवश्यक तत्व हैं क्यों हैं, क्यों हैं, किसी चीज की मांग क्यों होती है? क्योंकि वह बाजार में कहीं ना कहीं उपलब्ध होता है, यानी उसकी पूर्ति भी बाजार में हो रही होती है, तभी उसका डिमांड है। यानी आपको मोबाइल की आवश्यकता है क्योंकि वह मोबाइल मार्केट में है, यानी वो पहले से सप्लाई की स्थिति में है। तो मांग पूर्ति की स्थिति में तब हो जाता है जब ये पूरी तरह से खरीद लिया जाता है बाजार से। ध्यान से समझना, अब हम लोग पूर्ति पर बात करने चल रहे हैं। पूर्ति क्या है, पूर्ति का नियम क्या है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कीमत निर्धारण की प्रक्रिया क्या है या फिर कीमत क्या है। इन सभी बातों को हम लोग आगे डिस्कस करने चल रहे हैं। चलिए हम लोग बात करने चल रहे हैं पूर्ति क्या है। पूर्ति देखो, पूर्ति यानी सप्लाई, सप्लाई की बात करें तो सप्लाई का संबंध जैसे मांग का संबंध एक निश्चित समय से था, मांग का संबंध एक निश्चित समय से था और एक निश्चित कीमत से था, वैसे ही इसका भी संबंध किससे, इसका भी संबंध एक निश्चित समय और निश्चित कीमत से होगा। देखो कैसे, इसका भी संबंध एक निश्चित समय व निश्चित कीमत से होगा। देखो पूर्ति, पूर्ति का परिभाषा क्या कहता है, पूर्ति आखिर पूर्ति कहते किसको है, कैसे हम इस चीज को समझ पाएंगे। देखो किसी व्यक्ति या फिर यह कह लें कि किसी निश्चित समय पर और किसी निश्चित कीमत पर उत्पादक के द्वारा इसका संबंध किससे था, हम लोगों ने डिस्कस किया था पूर्ति का संबंध किससे है, उत्पादक से है। पूर्ति का संबंध हमेशा प्रोड्यूसर से है, पूर्ति का संबंध हमेशा उत्पादक। अच्छा, उत्पादक उपभोक्ता कभी कई बार सुनने की वजह से कभी कभी मन में थोड़ा सा नेगेटिव प्रेजेंस आ जाता है कि ये ऐसा शब्द है, पढ़ने का मन विचलित होने लगता है, पढ़ने से इसको मन थोड़ा सा हटने लगता है। तो इसको आप इंग्लिश में याद करो, चीजें आसान होती हैं। शब्द कभी कभी सुन करके थोड़ा सा हमारे कानों को ऐसे शब्द सुनने की आदत नहीं होती तो थोड़ा तीखे लगते हैं, इसके इंग्लिश वर्ड आप याद रख लो, आपको आसान लगेगा। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर किससे संबंधित होता है, हमेशा पूर्तिकर्ता से संबंधित होता है। तो हम कह दे कि उत्पादक द्वारा क्या दोस्तों, उत्पादक द्वारा बाजार में वस्तु या सेवा की उपलब्ध कराई गई मात्रा ही, देखो किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित कीमत पर उत्पादक द्वारा बाजार में वस्तु या सेवा की उपलब्ध कराई गई मात्रा को ही उस वस्तु या सेवा की क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं, उस वस्तु या सेवा की पूर्ति कहते हैं। हम लोग अगर बात करें पूर्ति के परिभाषा की, पूर्ति का परिभाषा क्या कहता है कि किसी निश्चित समय और निश्चित कीमत पर, किसी निश्चित समय और किसी निश्चित कीमत पर उत्पादक वर्ग द्वारा
उत्पादक वर्ग द्वारा बाजार में उपलब्ध कराई गई वस्तु या सेवा की मात्रा ही पूर्ति कहलाती है ध्यान से देख लो, हमने कहा कि किसी निश्चित समय, हमने कहा इसका एक निश्चित समय से संबंध होता है, एक निश्चित कीमत, से संबंध इसका होता है, पर उत्पादक वर्ग द्वारा बाजार में उपलब्ध कराई गई वस्तु या सेवा की मात्रा ही पूर्ति कहलाती है, या तो पूर्ति हो गया पूर्ति किसे कहते हैं, हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर पूर्ति क्या है। देखो क्वेश्चन जहां से बनता है हम उस पर चलते हैं, पूर्ति का नियम क्या कहता है, उस पर हम लोग बात करें। पूर्ति कहते किसको, आप ये समझ लो कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि पूर्ति का संबंध किससे है, तो हमेशा उत्पादक से, प्रोड्यूसर से है, प्रोड्यूसर से इसका संबंध है। पूर्ति का परिभाषा कहता है कि किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित कीमत पर उत्पादक वर्ग द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्ध कराई गई मात्रा ही कहां पर, बाजार में क्या कहलाती है, पूर्ति कहलाती है। अब हम बात करने चल रहे हैं कि पूर्ति का नियम क्या कहता है, यानी थ्योरी ऑफ सप्लाई, क्या है इसको समझ लें। पूर्ति का नियम यह कहता है कि अगर वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में वृद्धि होता है तो उत्पादक वर्ग खुश होते हैं, और उत्पादक वर्ग अगर खुश होंगे तो वो उस वस्तु या सेवा में उत्पादन ज्यादा करेंगे जिन चीजों की कीमत में वृद्धि हो रहा है। थोड़ा सा अभी आप इस बात को स्वीकार करिए, आगे हम कीमत निर्धारण की प्रक्रिया पे बात करेंगे। तो यह और मांग, यानी मांग और पूर्ति एक दूसरे पर कहां कनेक्ट करते हैं उस बात पर आएंगे। फिलहाल पूर्ति का नियम जो कहता है उस बात को जस का तस सुनिए, उसके बाद हम चीजों को कनेक्ट करेंगे कीमत निर्धारण की प्रक्रिया के माध्यम से, क्योंकि मांग और पूर्ति एक दूसरे के जस्ट विपरीत स्थिति में है। मांग का नियम वही बात उल्टे पक्ष में कह रहा है, जबकि पूर्ति का नियम वही बात दूसरे पक्ष में कह रहा है, यानी गलत और उसके विपरीत पक्ष में कह रहा है। पूर्ति का नियम कहता है कि जब वस्तु तथा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है तो उत्पादक वर्ग उत्साहित और खुश होकर के अधिक उत्पादन करने की कोशिश करता है, जिससे पूर्ति में वृद्धि हो जाती। जैसे एक उदाहरण, जैसे मान लीजिए प्याज की कीमत बहुत तेजी से बढ़ जाए, अब किसान क्या करेगा, प्याज का उत्पादन तेजी से करने की कोशिश करेगा, ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा, कि तत्काल में तो वो उत्पादन कर लिया, लेकिन अगले वर्ष क्या होता है कि वो उत्पादन इस वर्ष कर लिया, उसका भंडारण ज्यादा हो गया, जब पूर्ति बाजार में ज्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत में कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि शुरुआत में उत्पादक वर्ग
पूर्ति के नियम के अकॉर्डिंग, जो पूर्ति का नियम कहता है कि उत्पादक वर्ग खुश हो जाता है किस चीज को देख करके, किसी चीज की कीमत में वृद्धि हो गई है तो उत्पादक वर्ग सोचता है जैसे प्याज की कीमत बढ़ी है तो और प्याज उत्पादित कर लो ताकि हम और बेचेंगे, लेकिन यही सोच करके सभी लोग उत्पादित कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि बाद में उसका ज्यादा कलेक्शन हो जाने की वजह से, ज्यादा इकट्ठा हो जाने की वजह से बाद में इसी चीज की कीमत घट जाती है। ध्यान से देखो पूर्ति का नियम जो कहता है उस बात को पहले हम लोग समझ ले, फिर हम इसके जो कंक्लूजन है उस पर आएंगे। देखिए पूर्ति का नियम कहता है कि जैसे 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 कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु, जैसे जैसे किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होती है वैसे वैसे उस वस्तु या सेवा की पूर्ति में भी वृद्धि होता है, यानी सप्लाई में भी वृद्धि होता है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है पूर्ति का नियम, कि पूर्ति का नियम कह रहा है कि जब पी बढ़ रहा है यानी प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उत्पादक वर्ग खुश होगा। यदि किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु तथा सेवा की पूर्ति में भी वृद्धि होता, यही पूर्ति का नियम है। यानी प्राइस में वृद्धि होगा तो सप्लाई में वृद्धि होगा, पूर्ति का नियम कहता है। प्राइस में कमी होगा तो सप्लाई में भी कमी होगा, प्राइस में कमी तो सप्लाई में भी कमी, दोनों बात अलग अलग एक ही बात को दर्शाते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि प्राइस का जो यहां पर कीमत का जो सप्लाई पूर्ति के साथ, कीमत का पूर्ति के साथ समानुपात यानी पॉजिटिव संबंध होता है। यानी क्या होगा, पी समानुपात है किसके दोस्तों, सप्लाई के। यानी अगर पी बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, यानी अगर P बढ़ रहा है तो S भी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रहा है तो पूर्ति भी बढ़ रहा है। यही चीज अगर कीमत घट रहा है तो पूर्ति भी घट रहा है। ये नियम कहता है किसका, पूर्ति का। इसको हम लोग लिख लेंगे कि क्या यदि किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है, यदि किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु तथा सेवा की पूर्ति में भी वृद्धि होता है। चलिए यदि किसी वस्तु तथा सेवा में, सेवा की कीमत में वृद्धि होता है तो उस वस्तु तथा सेवा की पूर्ति में भी वृद्धि होता है। ये पूर्ति का नियम कहता है। यानी हम इसी बात से इस बात को यहां पर स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या कीमत का सप्लाई के साथ पॉजिटिव संबंध है, यही पूर्ति का नियम कहता है। अच्छा एक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, सर एक ही जगह दो बातें एकदम विपरीत स्थिति में कैसे हो सकती है, आगे हम लोग देखेंगे कैसे हो सकती है। देखिए फिलहाल इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लें चित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से, कि क्या है पूर्ति का नियम वास्तविक। थोड़ा सा इस बात को हम लोग स्पष्ट समझ लें, जैसे हम लोगों ने मांग का नियम समझा था चित्र के माध्यम से। देखो हम लोग बात करने चल रहे हैं पूर्ति के
थ्योरी ऑफ देखो हम लोग इसको चित्र से समझने चल रहे हैं। ये क्या हो गया, ये सप्लाई हो गया, ये लाइन सप्लाई यानी पूर्ति, ये क्या है कीमत की लाइन, कीमत की रेखा, कीमत की लाइन। और पूर्ति की स्थिति क्या है, ये इसका बायां पक्ष यानी नीचे से ऊपर की तरफ, यह दायां पक्ष ऊपर जाते वक्त। ध्यान से देखो, अब यहां पर एक स्थिति क्या S1, ये क्या P1, दूसरी स्थिति S2 सप्लाई है, यहां पे क्या होगा P2, ये क्या है S3 यानी क्या, यहां पर क्या होगा P3। ध्यान से देखो, और यही क्या है, ये जो रेड लाइन है यह पूर्ति वक्र है, पूर्ति वक्र या रेखा, पूर्ति लाइन है। ध्यान से देखो, ये जो रेड लाइन है, अब देखो क्या कहता है पूर्ति का नियम, क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी चीज की कीमत में वृद्धि होगी, जैसे जैसे किसी चीज की कीमत में वृद्धि होगी, वैसे वैसे उस वस्तु या, उस वस्तु या सेवा की सप्लाई में भी क्या होगा, उस वस्तु या सेवा की सप्लाई में भी वृद्धि होगी, या फिर जैसे जैसे इसकी कीमत में कमी होगी उस वस्तु या सेवा की सप्लाई में भी कमी होगा। अब देखो जैसे यहां पर S1 है, प्राइस इसकी क्या है कम है, तब यहां पर S1 अमाउंट में, S1 अमाउंट में चीजें उत्पादित हो रही हैं, यानी सप्लाई इसका कितना, जब P1 है कम दाम है तो कम हो रहा है, जैसे कीमत बढ़ा इसका, जैसे कीमत बढ़ा तो थोड़ा सा इसका उत्पादन बढ़ गया, तो इसका थोड़ा सा उत्पादन बढ़ गया, जैसे P2 हुआ तो इसका S2 अमाउंट में चीजें उत्पादित होने लगी, P3 हो गया मान लो यानी कीमत और बढ़ गई तो इसका, इसका जो उत्पादन है और बढ़ जाएगा। ये पूर्ति का नियम कहता है, यानी पूर्ति के नियम में जब वस्तु तथा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है तो उत्पादक वर्ग उत्साहित होकर के, खुश होकर के वह वस्तु या सेवा का अधिक उत्पादन करता है, जिससे पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, देखो कीमत, कीमतों में वृद्धि से उत्पादक वर्ग विक्रेता को फायदा होता है, कीमतों में वृद्धि से उत्पादक वर्ग या फिर विक्रेता को फायदा होता है, इसी वजह से इसका उत्पादन वो ज्यादा करता है। लेकिन एक बात आपके और हमारे जेहन में दोस्तों एक बात आनी चाहिए कि क्या किसी चीज की जितनी मांग होगी उतनी ही सप्लाई हो जाएगी, और क्या किसी चीज की जितनी मांग हो उसके अकॉर्डिंग उसका सप्लाई हो जाए, या फिर जितनी मांग उसकी हो उसका कीमत, जैसे जितनी सप्लाई हो, जितना सप्लाई हो, जैसे उत्पादक वर्ग अगर 500 रुपए किलो कोई चीज गेहूं बेचने लगे, उत्पादक वर्ग जैसे गेहूं का उत्पादन करे और 500 रुपए किलो बेचने लगे, तब तो कोई भी किसान कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा, कभी भी कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो उत्पादन करके बहुत सारा क्या कर सकता है दोस्तों, पैसा कमा सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाजार कैसे चलती है, बाजार जैसा मांग है वैसी ही पूर्ति होनी चाहिए, यानी मांग और पूर्ति बाजार की जो दोनों शक्तियां हैं, बाजार की जो दोनों शक्तियां हैं वह नियत होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में संतुलन का स्थिति का अर्थ क्या है दोस्तों, कीमत निर्धारण की प्रक्रिया हम यहां पर समझने चल रहे हैं। आगे देखो, जब वस्तु तथा सेवा की जो मांग है और जो पूर्ति हो, पूर्ति है, दोनों संतुलित स्थिति में होती है, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मांग एवं पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को संतुलित
बिंदु कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति होती है जिसमें मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं। बात को समझना थोड़ा सा, कि जैसे किसान अगर चाहे तो 500 रुपए किलो प्याज बेच ले, किसान अगर चाहे गेहूं के उत्पादन बहुत ज्यादा करके अपने हिसाब से चीजें कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस बात को समझिए। जैसे मान लो एक ए दुकान है, इस ए दुकान पर कोई प्याज लेने गया और इस ए दुकान पर 30 रुपए केजी के हिसाब से क्या प्याज बिक रहा है, बहुत ध्यान से देखना, 30 रुपए केजी के हिसाब से क्या प्याज बिक रहा है। दूसरी स्थिति, कोई बी दुकान है, ध्यान से देखना, बी दुकान है और आप किसी चीज की कीमत पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं और इस जगह पर क्या बिक रहा है, कोई चीज 60 रुपया किलो बिक रहा है, 60 रुपया दूसरा उत्पादक वर्ग है, जो दूसरा विक्रेता है वो 60 रुपया किलो इसी प्याज को बेच रहा है। आप मान लो यहां से आए हो, यहां इस दुकान से आप मोल भाव करके आए और इस दुकान पर आते हो और ये 60 रुपया कहता है, तो आप यहां पर इससे क्या कहते हो, इस बी वाले दुकानदार से आप क्या कहते हो, ये कहते हो कि यार उसके यहां तो ये चीज 25 रुपया या 30 रुपया में है, आप 60 रुपया क्यों दे रहे हो, मैं आपके यहां से नहीं लूंगा। तो ऐसी स्थिति में विक्रेता से बाजार नहीं चलती, बाजार हमेशा उपभोक्ता और विक्रेता के संतुलन से चलता है। जिस बिंदु पर एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं चीजें, उसी बिंदु को संतुलित बिंदु कहा जाता है, उसी बिंदु को प्राइस डिटरमिनेशन कहा जाता है, उसी बिंदु को कीमत निर्धारण कहा जाता है। ध्यान से सुनो, जैसे मान लो इसके यहां कोई ग्राहक आया और ये पहले से वो ग्राहक इसके यहां आ चुका है और यहां पर आने के बाद वो कहता है कि 60 रुपया किलो तो मैं नहीं दूंगा, ऊपर 30 रुपया किलो के यहां उसके यहां मिल रहा है, तो आप क्या कहोगे, नहीं आप इसका रेट सही लगाइए, आप इसका 30 से कम लगाइए क्योंकि मैं 30 वहां पर छोड़ के आया हूं। तो अब देखो, विक्रेता की स्थिति यह होती है कि उसका सामान बिक जाए, उसको पैसा मिल जाए, वो बात अलग है कि बहुत विशेष परिस्थिति है कि उसका बहुत क्वालिटी वाला है, बहुत वीआईपी होटल है, बहुत वीआईपी उसका नाम है, तो बात अलग, वो क्रेडिबिलिटी अलग है चीज है, विश्वसनीयता अलग चीज है। यहां पर हम लोग साधारण बातचीत करेंगे और साधारण बातचीत साधारण चीजों में सारा नियम कानून नॉर्मल वाला ही लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि नहीं 30-60 रुपया नहीं, हम क्या करेंगे, आपका एक 25 रुपया देंगे। तो ये कहता है कि नहीं 25 रुपया कम, ज्यादा कम हो जाएगा, 25 रुपया ज्यादा कम हो जाएगा, कुछ ना आपका ना मेरा, ऐसा करते हैं कि चलिए 28 रुपया, आप वहां 30 रुपया छोड़ के आए हो, हम आपको 2 रुपया कम करके दे रहे हैं। तो इस स्थिति में ग्राहक जो होता है, यानी जो उपभोक्ता होता है, जो कंज्यूमर होता है, वह भी संतुष्ट हो जाता है क्योंकि यहां से इसको 2 रुपया कम मिल गया, और विक्रेता भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक संतुष्ट हो जाता है क्योंकि उसका मार्केट में सामान बिक रहा होता है। तो कोई भी चीज, किसी भी चीज के मांग हो जाने से या फिर किसी भी चीज की कीमत लगा देने से कोई भी चीज बिक नहीं जाती या फिर कोई भी चीज की मांग नहीं बढ़ जाती, हमेशा बाजार संतुलन की स्थिति में चलता है। संतुलन की स्थिति कैसे है, देखो हम लोग बात करेंगे प्राइस डिटरमिनेशन, प्राइस डिटरमिनेशन कीमत निर्धारण की प्रक्रिया। प्राइस डिटरमिनेशन क्या है, इस बात को समझिए। देखिए प्राइस डिटरमिनेशन क्या होता है, जैसे आपने देखा ये पूर्ति वक्र है, ये मांग वक्र है, ध्यान से देखो, ये पूर्ति वक्र है, ये मांग वक्र है, और ये जो बिंदु है, जैसे हमने बताया कि यहां पे 30 रुपया और 60 रुपया वाला कॉन्सेप्ट बताया, बाद में चीज 28 रुपया पे सेट हुई और यहां पर क्या खुश है, यहां पे उत्पादक भी खुश है यानी विक्रेता भी खुश है, यहां पर उपभोक्ता भी खुश है यानी कंज्यूमर भी खुश है क्योंकि उसको बाजार पर उचित कीमत पर कोई चीज मिल गई। और जिस जगह पर कोई चीज तय हो जाए उसी पॉइंट को कहते हैं प्राइस डिटरमिनेशन, उस वस्तु या सेवा की कीमत निर्धारण,
उस वस्तु या सेवा की कीमत निर्धारण है। अब ये जो बिंदु है, ये यही बिंदु 28 रुपए वाली बात को दर्शाता है कि देखो ये क्या है, पहली चीज ये पूर्ति का पूर्ति है, पूर्ति की लाइन है, और ये जो है ये मांग की लाइन है। मांग किसी चीज की हो जाने से कोई चीज नहीं होता, या फिर किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाने से कोई चीज नहीं होता। कोई भी बाजार संतुलन की स्थिति में चलता है कब, अर्थव्यवस्था में संतुलन कब होता है, जब डिमांड एंड सप्लाई, ये देखो ये जो पॉइंट है यहां पर, डिमांड एंड सप्लाई संतुलित अवस्था में हो, डिमांड भी और सप्लाई भी, और ये जो स्थिति है कीमत, ऐसा कीमत जिस पर दोनों संतुष्ट हो रहे हैं, इसी को कहते हैं कीमत निर्धारण की प्रक्रिया। आगे हम लोग देखेंगे प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी, कीमत निर्धारण की प्रक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कीमत निर्धारण की प्रक्रिया को कैसे परिभाषित किया गया है, कैसे बाजार इससे संतुलित होता है, कैसे when D is greater than S then price is increasing, या फिर when supply is greater than price then price is decreasing, इन सभी पक्ष पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी लोग बने रहिए, कोरोना से बच के रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू क्लास।